हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे मीनोलास्ट एलसी टैबलेट के बारे में। मीनोलास्ट एलसी टैबलेट के बारे में आज हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे, जैसे इस टैबलेट का कंपोजिशन क्या है, किस कंपनी द्वारा इसको बनाया जाता है, कितना इसका प्राइस है, कौन कौन सी समस्याओं को दूर करने में इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है, ये टैबलेट कैसे काम करती है, कितनी डोज पेशेंट को दी जाती है, क्या क्या इस टैबलेट के साइड इफेक्ट हो सकते हैं और आपको क्या क्या सावधानी ध्यान में रखनी है, इन सब बातों के बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं इस टैबलेट के कंपोजिशन के बारे में। मोंटेलुकास्ट सोडियम 10 mg और लिवोसेट्रिजिन इसमें 5 mg की स्ट्रेंथ में प्रेजेंट है। कंपनी के बारे में बात की जाए तो लिफोर्ड हेल्थ केयर लिमिटेड कंपनी का ये ब्रांड है। प्राइस के बारे में बात की जाए तो ₹130 इसका प्राइस है, जो कि 10 टैबलेट का प्राइस है। ये जेनेरिक प्रोडक्ट है, आपको MRP से कम दाम पर आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है। अब हम बात करेंगे इसके यूजेस के बारे में, इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, कौन कौन सी समस्याओं को दूर करने में इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस टैबलेट का इस्तेमाल एलर्जिक कंडीशंस को, एलर्जिक समस्याओं को दूर करने के लिए किया जाता है, जैसे नाक से पानी बहना, छींके आना, खुजली होना, नाक बंद होना, आँखों से पानी आना, सूजन आना, सांस लेने में कठिनाई होना, सामान्य सर्दी जुकाम होना, खांसी होना, धूल मिट्टी से एलर्जी होना, इन सारी कंडीशंस को ठीक करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा अस्थमा और ब्रोंकाइटिस के लक्षणों को भी ये कम करती है। तो इस टैबलेट के इतने सारे फायदे होते हैं। अब हम बात करेंगे ये टैबलेट कैसे काम करती है। तो ये टैबलेट हिस्टामाइन और लिकोटेरिन रासायनिक पदार्थों को रोकती है, यानी ये टैबलेट हिस्टामाइन केमिकल्स को और लिकोटेरिन केमिकल्स के उत्पादन को, उसके प्रोडक्शन को ये रोकती है, ख़त्म करती है। ये रासायनिक पदार्थ एलर्जिक कंडीशंस के लिए जिम्मेदार होते हैं। जब इन रासायनिक पदार्थों का उत्पादन ख़त्म हो जाता है तो एलर्जिक कंडीशंस में हमको राहत मिलने लगती है। तो इस तरीके से ये टैबलेट काम करती है। अब हम बात करेंगे इस टैबलेट की डोज के बारे में, कितनी डोज पेशेंट को दी जाती है। तो एडल्ट पर्सन के लिए जो 12 साल से अधिक उम्र के होते हैं, उनके लिए एक टैबलेट दिन में एक ही बार आपके डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। तो इस टैबलेट का असर लगभग 24 घंटे तक रहता है, इसलिए इस टैबलेट को एक दिन में एक ही बार दिया जाता है। नेक्स्ट है, ओवरडोज लेने से बचना चाहिए। यदि आप इस टैबलेट को ओवरडोज में लेते हैं तो आपको कई तरह की समस्याएं हो सकती है, इसलिए ओवरडोज लेने से बचना चाहिए। बच्चों के लिए हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही इस टैबलेट का इस्तेमाल कराना चाहिए। अगर कोई डोज आपसे छूट जाती है, मिस हो जाती है, तो क्षतिपूर्ति के लिए आप दो खुराक एक साथ नहीं लें। अब हम बात करेंगे इस टैबलेट के साइड इफेक्ट के बारे में, इसके क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे आँखों से धुंधला दिखाई देना, त्वचा पर चकत्ते होना, सुस्ती होना, थकान होना, मुंह सूखना, मतली या उल्टी होने की समस्या, पेट में दर्द होना, सिर दर्द होना, इस प्रकार के साइड इफेक्ट इस टैबलेट से देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी सावधानियों के बारे में, आपको क्या क्या सावधानी ध्यान में रखनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को इस टैबलेट से एलर्जी होती है तो इस टैबलेट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को इस टैबलेट को लेने के बाद स्किन में रेसेस पड़ जाते हैं, या स्वेलिंग होने लगती है, या फेस पर स्वेलिंग आ जाती है, जीभ पर सूजन आ जाती है, या गले में सूजन आ जाती है, या खुजली होने लगती है, तो ऐसी कंडीशन में इसका इस्तेमाल करना तुरंत बंद कर देना चाहिए और अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेना चाहिए। नेक्स्ट है, प्रेगनेंसी में अपनी मर्जी से इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही इस टैबलेट का इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट है, स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी इस टैबलेट का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए। शराब के साथ इस टैबलेट का इंट्रैक्शन हो सकता है और कई तरह के साइड इफेक्ट हो सकते हैं, एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं, इसलिए इस टैबलेट का इस्तेमाल शराब के साथ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, इस टैबलेट को लेने के बाद आपको ड्राइविंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस टैबलेट के कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे चक्कर आना, आँखों से धुंधला दिखाई देना, जिस कारण से आप दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं, इसलिए हमेशा आपको ध्यान रखना है, ड्राइविंग करते समय आपको इस टैबलेट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, लीवर से जुड़ी बीमारी में और किडनी से जुड़ी बीमारी में भी आपको हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही इस टैबलेट का इस्तेमाल करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और दवाइयों से जुड़ी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।